हे गाइस, वेलकम टू यशस्वीज किचन। आज मैं आपके साथ गुजिया की रेसिपी शेयर करूंगा, ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। होली का त्यौहार भी पास आ रहा है और होली पे घरों में गुजिया बहुत बनाई जाती है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले डो प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए आधा किलो मैदा, चुटकी भर नमक और 4 टेबलस्पून घी ले लेना है। अब घी को मैदे में अच्छे से हमें मिक्स करना है, दोनों हाथों से रब करते हुए। बेसिकली मोयन लगा रहे हैं और मोयन लगाने से गुजिया क्रिस्पी और खस्ता बनती है। एक बार जब घी अच्छे से मिक्स हो जाए तो हाथों में लेकर देखना है कि मैदा बंध रहा है या नहीं। अगर बंध रहा है तो मोयन अच्छे से लग चुका है, नहीं बंध रहा है तो एक आध चम्मच घी और ऐड करें और ये स्टेप कंप्लीट कर लें। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाए फिर हमें ज़रा ज़रा सा पानी ऐड करके इसका सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो गुजिया का आटा लगाना है वो थोड़ा सख्त लगाना है। अगर इसका आटा पतला या सॉफ्ट लगाएंगे और उससे बनी हुई गुजिया जब फ्राई करेंगे तो गुजिया की बाहरी परत पे बबल्स पड़ सकते हैं। एक बार गुजिये का डो प्रिपेयर हो जाए उसे गीले कपड़े से ढककर रेस्ट करने के लिए रख देना है, लगभग आधे से एक घंटे के लिए। जब तक डो रेस्ट होता है तब तक हमें गुजिये की स्टफिंग तैयार कर लेनी है। तो फिलिंग के लिए एक पैन में 250 ग्राम मावा लेना है, जिसको लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है, जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए और पैन को कम्प्लीटली छोड़ दे। और इस प्रोसेस में लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब सेम पैन में हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेना है, तो काजू बादाम जिनको बारीक चॉप कर लेना है और फिर इनको आधे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। इसके बाद सेम पैन में 4 से 5 टेबलस्पून सूजी लेनी है और इसको भी आधे 1 मिनट के लिए हमें रोस्ट कर लेना है, जब तक इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। एक बार ये सभी चीज़ें आप रोस्ट कर लें उसके बाद इनको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। फिर एक बॉल ले लें और उसमें मावा डाल लें, फिर इसमें सूजी ऐड कर दें, काजू बादाम जो रोस्ट किए थे वो ऐड कर दें, सूखा नारियल उसको ग्रेट कर लिया था वो एक कटोरी ऐड कर दें, 10 से 15 किशमिश को बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दें और इलायची पाउडर वो डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मिला लेना है। एक बार जब अच्छे से ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर लें इसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी 1 बड़ी कटोरी ऐड करके उसको भी अच्छे से मिक्स कर दें और ये हमारा गुजिया का जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। तो हमारे गुजिया की मावे वाली फिलिंग बनकर तैयार है, बस अब इसे शेप देना है। तो जो आटा हमने गूंथ कर रेस्ट करने के लिए रखा था उसे भी 1 घंटा हो गया है, उसे थोड़ा सा स्मूथ करना है। स्मूथ करने के बाद उसकी छोटी छोटी लोई तोड़नी है और पेड़े बनाकर उसे बेल लेना है रोटी से थोड़ा पतला, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना और रोटी जितना मोटा भी नहीं रखना। जितनी थिकनेस आप यहाँ पर देख सकते हो इतनी थिकनेस इसकी रखनी है। एक बार जब इसे बेल लें उसके बाद इसको किसी ढक्कन या फिर कटोरी की हेल्प से राउंड शेप का कट लगा लें और चारों तरफ इसके पानी लगा लें। ये पानी लगाने वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम गुजिया सील करेंगे चिपकाएंगे तो पानी की हेल्प से अच्छे से चिपक जाती है। तो पानी अच्छे से लगाएं चारों तरफ और फिर इसमें 1 से 1.5 छोटी चम्मच फिलिंग भर लें। फिलिंग ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, तो अपने अनुसार ध्यान से फिलिंग भरें और इसके बाद इसको अच्छे से चिपका दें। चिपकाना बहुत अच्छे से, नहीं तो फ्राई करने के टाइम गुजिया कढ़ाई में तेल के अंदर खुल जाएगी और तेल ख़राब हो जाता है। इसलिए अच्छे से चिपकाना है, एक एज से दूसरे एज तक, और चिपकाने के बाद एक कॉर्नर से आप इसको फोल्ड करते जाएं और पिंच करते जाएं दूसरे कॉर्नर तक और इस तरीके से इसमें डिज़ाइन दे दें। जो ट्रेडिशनल गुजिया होती है वो ऐसे बनकर तैयार हो जाएगी। अगर ये वाला स्टेप, ये वाला शेप देने में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है तो आप दूसरे शेप की गुजिया भी बना सकते हैं। यहाँ तक आपको सेम प्रोसेस, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं और फिर एक फॉर्क लेकर इसमें डिज़ाइन देकर ऐसे गुजिया का शेप दे देना है। तो ये दूसरे तरीके से गुजिया भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमें सारी गुजिया बिल्कुल ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेनी है। तो हमने सारी गुजिया बना ली है, बस लास्ट स्टेप में इनको फ्राई करके पकाना है, जिसके लिए कढ़ाई में ऑयल डाल लें और ऑयल को गर्म करना है मीडियम हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना या फिर बिल्कुल ठंडा भी नहीं रखना। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए आटे का छोटा सा टुकड़ा कढ़ाई में ड्रॉप करें और ये धीरे धीरे बबल्स के साथ ऊपर आना चाहिए, एकदम से राइज होके सरफेस पे नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे एकदम से राइज होके ऊपर आया मतलब तेल आपका बहुत गर्म। धीरे धीरे आराम आराम से आप तेल में गुजिया डालें और उसके बाद इनको लो फ्लेम पर आप पकाएं, लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे और इनका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको पकाना है या फिर बिस्किट कलर आने तक। और अगर हम तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो गुजियों का कलर आ जाएगा बाहर से लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और एकदम ठंडे तेल में डालेंगे तो गुजिया तेल पी लेंगी। इसलिए मीडियम हॉट तेल में इनको पकने देना है और 15 से 20 मिनट लगेंगे, इसलिए आप 10 से 15 गुजिया एक साथ कढ़ाई में डालकर इनको आराम आराम से धीरे धीरे पकने दें।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने आराम आराम से 15-20 मिनट लगाकर इन गुजियों को फ्राई किया है और बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर भी इनका आ चुका है। अब इन सभी गुजियों को निकाल कर हम एक्सेस तेल इनका निकलने देंगे और बाकी की बची हुई गुजिया ऐसे ही बिल्कुल फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो हमारे ये मावा गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही डिलीशियस और परफेक्ट टेक्सचर के साथ बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके ये गुजिया की रेसिपी घर पर बनाएं, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्दी मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ मिलूंगा। टिल देन स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।